नए नवेले 172 आईएएस अफसरों को प्रधानमंत्री मोदी ने काम करने का गुरु मंत्र दिया। इन 172 आईएएस अफसरों की केंद्र सरकार में असिस्टेंट सचिव के तौर पर नियुक्ति होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री की क्लास वाकई एक शुभ समाचार है। वर्ष 2014 के 172 आईएएस ऑफिसर्स से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने 172 आईएएस ऑफिसर्स को दी मैनेजमेंट दीक्षा। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट की दी शिक्षा। डिजिटल इंडिया को अमल करने की दी सलाह। पीएम मोदी ने अफसरों को संवेदनशीलता का पढ़ाया पाठ। काम को लेकर सीनियर अधिकारियों से बातचीत की क्लास। मौका था ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2014 बैच के 172 आईएएस अफसरों की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का। इन 172 अफसरों को केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों के 58 विभागों में बतौर असिस्टेंट सचिव नियुक्त किया जाना है, लिहाजा प्रधानमंत्री की एक क्लास तो होनी ही चाहिए थी। देश को चला रहे प्रधानमंत्री की सीख से ये 172 अफसर एक शुभ शुरुआत कर सके। पीएम मोदी ने 172 आईएएस अफसरों को सलाह दी। भारत की जनता से खुद को जोड़ने के लिए तमाम परिस्थितियों और आसपास होने वाली बातों पर संवेदनशील रहे। ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए कौशल और शिक्षा को बढ़ाने का सभी आईएएस अधिकारियों के पास बड़ा मौका है कि अपने कौशल और शिक्षा को बढ़ाएं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार में नियुक्ति से पहले 3 महीने के दौरान केंद्र सरकार के कामकाज की पूरी तस्वीर उनके सामने रखी जाएगी। सभी अफसर अगले 3 महीने अपने कौशल के विकास और जिस विभाग की उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी उसके संपूर्ण विकास के लिए पूरा प्रयास करें। सरकार के कामकाज में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करें। कुछ अफसरों को पीएम ने तकनीक के माध्यम से सरकार के कामकाज को बढ़ाने की बात कही और किसी भी पद के दबाव में आकर काम न करने की सलाह दी। सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को कहा। भारत सरकार में असिस्टेंट सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले नए आईएएस अफसर अपने सीनियर अधिकारियों के पद से डरे नहीं बल्कि उनके साथ बातचीत के दौरान फ्रैंक रहे, निडर रहे। प्रधानमंत्री की सलाह पर 2014 बैच के 172 आईएएस अधिकारियों की शुभ शुरुआत तो हो गई। अब ये 172 आईएएस अफसर केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई बातों और प्रधानमंत्री की सीख पर अमल करेंगे। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।